मक्खी के कितने सारे बॉक्स यहाँ लगा रखे हैं, ये सिर्फ पॉलिनेशन के लिए है। इतने ये है जी, देखिए ये है लिंगड़ी, लिंगड़ी का रायता बन रहा है यहाँ पे, और कुल ही ठंडा क्योंकि इसके नीचे थोड़ी थोड़ी सी हीट है जिसकी वजह से ये गर्म ही रह रहा है। मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? मैं विकी आचार्य आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं जी विकी आचार्य ब्लॉग्स। दोस्तों अभी मैं हूँ प्रेणी पुल पे, और प्रेणी के बीच में जो पुल है उसके ऊपर बड़ा पुल जो है वहाँ पर बैठा हूँ मैं। और दोस्तों सामने मैं देख रहा था इस डैम का हाल चाल। ये अपने शुरुआती जो परीक्षण होते हैं दोस्तों उसमें ही टूट गया था, तो अब सिर्फ देखने के लिए रह गया ये। मैं तो बोल भी रहा था कि इसको एक क्रिकेट स्टेडियम की तरह बना देते हैं, छोटा सा, बढ़िया बाउंड्री लाइन्स है इसमें। वाह, ये एरिया चमक गया है, बाकी तो छोड़िए, जितने भी बिल्डिंगें दिख रही है ज़्यादातर इसमें होटल ही है। दोस्तों गुजरा गांव के लोग अपने बागीचे की तरफ काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं मधुमक्खी के कितने सारे बॉक्स यहाँ लगा रखे हैं। ये सिर्फ पॉलिनेशन के लिए है इतने सारे। और ये रहा जी आपका पलम का बागीचा है, ये छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी बॉक्स यहाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। और वो स्कूल ग्राउंड में है हमारी फील्ड आज, तो चलिए देखते हैं वहाँ पर क्या क्या हो रहा है, कौन कौन पहुँचे हैं। आचार्य जी लस्सी का आनंद लेते हुए, बहुत बढ़िया लस्सी। चीयर्स चीयर्स। अक्षु रसोई तैयार है, क्या कसर है? मेरा और अक्षु बोल रहे हो सब वहाँ पे कमरे में। दोस्तों आज देखिए राई हमने भिगो रखी है दही में, वैसे भी दही में भिगोते हैं इसको, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही दही है हमने बनाई हुई। देखिए बाल्टी है 20 लीटर की, और उसमें लगभग 15 लीटर हमने दही ली है, उसमें राई हमने भिगो रखी है। तो मैं बता रहा हूँ आपको क्यों, रायटे के लिए, ये रायटे में भी पड़ती है हमेशा। और इतनी ज़्यादा क्यों घोली हमने, चलिए ये बताता हूँ मैं आपको, चलिए चलते हैं रायटे की तरफ। तो ये है दोस्तों हमारा रायटा बन रहा आज यहाँ पर। ये है जी देखिए, ये है लिंगड़ी, लिंगड़ी का रायता बन रहा है यहाँ पे, और ये बनता है दोस्तों काफ़ी सूखा 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 बनता है। इसमें बिल्कुल ही हमने दही दही में पका रहे हैं इसको, पानी बिल्कुल नहीं पड़ा इसमें, सिर्फ दही पड़ी है। और अब इसको थोड़ा सुखाएंगे हम, थोड़ा घना हो जाएगा तो ये बंद कर देंगे। इसमें बॉयल्ड लिंगड़ी पड़ी है, तो इसी वजह से हमने राई इतनी ज़्यादा रखी है, क्योंकि इसको सूखा बनाते हैं हम लोग तो थोड़ी तरी आ जाती है राई से भी, है ना, इसीलिए। मैं बोला उस दिन बिस्लेरी को, मैं बोला यार पर ऐसे फोटो फोटो खींच के ला बन्नू के। किसके? उसके एंगेजमेंट के। बन्नू के? बन्नू अपना। बेसन पड़ रहा है जी राजमा में, हर जगह होता है टाइम चला। कड़ी तो हो गई ना? कड़ी कड़ी है अपनी, बस इतना टाइम आएगा। वाह, टाइम आएगा ना अपन। अब अपनी क्या तारीफ करूं ऊपर वाले से मैं। ये तो मैंने बड़ा दिमाग लगाया। हमारा लंच ब्रेक हो रहा है, हम खा बैठे हैं, गौरव और अक्षु खा रहे हैं। बाकी दोस्तों इसके बाद अब हमारा रेस्ट मुझे लगता है लंबा होगा, क्योंकि बोरेंगी पंडित जी अभी आए हैं चिबरखा पढ़ने, तो उसमें लग जाता है काफ़ी टाइम। तो चलिए देखेंगे कैसा कैसा रहता है, क्या क्या रहता है, अभी कर लेते हैं रेस्ट थोड़ी देर। ये पल्ले में एक सेब है भाई, ये ऊपर बोल जल्दी। सेब है, सेब सेव से यार, इसका लाल लाल है तो। ये आपके रेड लव मेरे का है। हाँ, बल्क भाई का। अच्छा अच्छा भाई साहब, क्या चार पांच किस्म की वैरायटीयां दिखने को मिलेगा आपको, रॉयल एक बार। दोस्तों ये ले लेता हूँ मैं थोड़ा सा पानी, और
हम करेंगे रायता हमारा जो है उसको बिल्कुल ही ठंडा, क्योंकि इसके नीचे थोड़ी थोड़ी सी हीट है जिसकी वजह से ये गर्म ही रह रहा है। तो ये हो जाना चाहिए बिल्कुल ठंडा, और उसके बाद इसमें लगेगी राई। थोड़ा सा और पानी ले लेता हूँ मैं। उसके बाद इसमें जो घुली है बाल्टी में राई वो डाल देंगे हम, ताकि ये काफ़ी ठंडा हो जाए। तो रायते में तो दोस्तों राई का ही मज़ा है। अभी हम इसको उठाने वाले थे लेकिन उठाना भूल गए, इसको हमने रखना था नीचे मिट्टी पे जिससे जल्दी ठंडा हो जाता, लेकिन बातों बातों में भूल गए। यहाँ पर गुस्सियाँ चली हुई थी कई तरह की, तो उसमें याद ही नहीं रहा। अब मैं थोड़ा सा इसमें इसको हिला लेता हूँ। ये देखिए हमारा रायता रेडी है, बस ठंडा हो जाए थोड़ा। तो गाइस यहाँ पर अभी कोई भी नहीं है मेरे सिवाय, सारे के सारे चले गए हैं रेस्ट करने, घूमने फिरने, मतलब किसी ना किसी काम से। वैसे ज़्यादातर हमारी टीम गई है रेस्ट करने, और यहाँ देखभाल के लिए छोड़ दिया है मुझे। बाकी तो छोड़ो, काम करने वाले जो गांव के लोग होते हैं वो भी नहीं है, तो चलिए कोई बात नहीं, अभी आते ही होंगे। और राइट में देखिए कितनी सारी है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10वां चावल। मेरी बनाई बुला कौन आके दिख रहे कर रहा काम है। बाय बाय।